विभिन्न मुद्दों पर बयान देते हुए कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और किसान परेशान है। अफजाल ने आगे कहा कि अफसर निरंकुश है और मनमानी कर रहे हैं, ये व्यवस्था का दोष है, अधिकारी जनता का दोहन कर रहे हैं। अफजाल ने आगे मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि परेशान किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान आजम खां पर बोलते हुए अफजाल अंसारी ने कहा कि आजम खां बहुत बड़े नेता है, उन्होंने जो महसूस किया वो लिखा। क्या कुछ कहा सुनिए। सांसद जी, लगातार देखा जाए जो महंगाई बढ़ रही है, लगातार जो प्याज और खास कर लहसुन का रेट को बढ़ावा, उसको लेकर अभी कई दिनों से चर्चा करने की बात कर रहे हैं। देखिए, खाद की बोरिया कम हो गई, महंगाई बढ़ रही है, तौल केंद्र पे जो गड़बड़ियां हैं, ये सब व्यवस्था का दोष है और उसका अब व्यवस्था में बैठी हुई सरकार के लोग इस तरह से निरंकुश कर दिए कि अधिकारी मनमानी पे आमादा है। जनता की सुविधा कैसे हो इसका उनको अंदाज नहीं। अब एक नीति बना दी गई है हमारे जिले में कि जिसके पास 5 बीघा खेत है वो भी 2 बोरिया, जिसके पास 10 बीघा खेत है वो भी 2 बोरिया, और जिसके पास 1 बीघा खेत है वो भी 2 बोरिया। तो यह कैसा मानक है? किसानों के समस्या का गंभीरता पूर्वक आप अध्ययन नहीं कर रहे हैं और न उसका समाधान करना चाहते हैं। यूरिया का दाम बढ़ा दिया, यूरिया की बोरिया में से 5 किलो यूरिया कम कर दिया, छुट्टा मवेशियों को छोड़ दिया उनकी फसलें चरने के लिए, तौल केंद्र आपने मनमानी बनाया है। 22,000 बीघे का एक गांव है उसिया जमानिया विधानसभा क्षेत्र में, 22,000 बीघे का एक गांव, एक राजस्व गांव उसिया, और वहां तौल केंद्र नहीं बना। तो यह जो अधिकारी हैं ये पूरी तरह से तानाशाही पर उतारू हैं और तानाशाही के माध्यम से उन्हें लाभ ये हो रहा है कि मनमाना काम करने के लिए मनमाना जनता से दोहन कर रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, और हमारे जिले में भ्रष्टाचार के तो सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। अब कौन किससे किसकी शिकायत करे, किससे शिकायत करे? डीएम के पास पत्र जाएगा, डीएम एसडीएम से मुआयना कराएगी, एसडीएम लिख के भेज देगा कि ये सेंटर बनाए जाने योग्य है, तौल केंद्र बनाए जाने योग्य है। फिर भी अब एआरओ साहब और कृषि अधिकारी तय करते हैं कि भाई कुछ मिला तो है नहीं, क्यों सेंटर बनाए, उसको खारिज कर देंगे। अब ये परिस्थितियां हैं जिले में, पूरे जनता में इस बात को लेके आक्रोश है कि किसानों को समय है और खाद उपलब्ध नहीं है, और किसानों की समस्या को लेकर के आज जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा उससे भी आपन भिग नहीं है। दिल्ली के गेट पर किसान, 50,000 से ज्यादा किसान वहां खड़ा है, जनता ने जो उससे वादा खिलाफी किया है उसको लेकर के वहां डटा हुआ। देखिए सर, अभी जो आजम खान साहब ने जो जेल से पत्र लिखा है उसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों की जो स्थिति है काफी बद से बदतर हो चुकी है। देखिए, आजम खान साहब बहुत बड़े नेता हैं और जो महसूस किए हैं उसको लिखे, उस पर आप किसी से कमेंट कैसे मांग सकते हैं? जो महसूस कर रहे हैं उसको उन्होंने लिखा है। इन दिनों जो सर सोनिया और सुरेश का मुद्दा काफी चर्चा में चल रहा है, सोनिया गांधी और सुरेश का मुद्दा जो काफी चर्चा में चल रहा है, सोनिया गांधी और सुरेश का लगातार भाजपा जो सुरेश, हम ही नहीं सुन रखे हैं सुरेश क्या है। एक मुद्दा चल रहा है कि अडानी साहब पर अमेरिका ने ये डंडा क्यों चला दिया, इस मुद्दे पर आप सवाल मत करिएगा। एक मुद्दा जनता में चल रहा है कि लहसुन 400 से पार हो गया, इस पर आप सवाल पूछेंगे नहीं कि भैया इस जखनिया विधानसभा में लहसुन का भाव बा, मोदी जी ने भाजपा ने नारा दिया था अब की बेर 400 का पार, तो लहसुन तो हो गए 400 का पार। इस सवाल पे बात करिए, बेरोजगार नौजवानों के सवाल पे बात कीजिए। एक बार तय हो रहा है, एक ही दिन 2 परीक्षा आमंत्रित कर दी गई, अभी इतना बड़ा आंदोलन हुआ, एक ही दिन 2 परीक्षाएं आमंत्रित की गई हैं, और जो परीक्षार्थी दोनों परीक्षाओं में भाग लेना चाहता है या तैयारी है उसकी, वो तो इससे वंचित रह जाएगा। ये कौन सी नीति है सरकार की?
कौन सी नीति है भाई? आम पढ़ा लिखा इंसान त्राहिमाम बोल दिया है। हाँ, अनपढ़ लोग, गंवार लोग, सीधे सपाट लोग, उनको ये जनता मूर्ख बनाने के लिए ए घड़ी खतरा में बा। धर्म खतरा में आ गेल बा। ए घड़ी कुल बात कैला का काम नहीं है कि महंगाई कितना बढ़ गई, नौकरी मिली कि ना मिली। पहले आवा जा, चल जा है। खोदो अभियान चलल बा, भारत खोदो अभियान फरुआरुआ लेकर के। तो ये देश को ठगने का प्रयास किया जा रहा। आम जनता बिल्कुल त्रस्त है। कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर है। आए दिन बलात्कार की घटनाएं, अभी गाजीपुर में हुआ है, नुनारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है, नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। कोनो फर्क नहीं पड़ता है जार पोज के चिकना। गाजीपुर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक दिवालिया हो गया, खबर है? खबर है? हजारों सैकड़ों करोड़ रुपया खाली मोहंदाबाद क्षेत्र का शाखा से सैकड़ों करोड़ अनुवाद के पास। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से आ जा थाना।